सो है ऑल राइट गाइज, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक एंट्री लेवल का टैब के बारे में जो एंड्रॉयड टैब है। लेकिन गाइज वो कोई पॉपुलर ब्रांड नहीं है, जैसे कि आपको पिछले वीडियो में एक बताया था जो मिनी लैपटॉप के बारे में बताया था जिस कंपनी का नाम था ऑल डॉकेबल कंपनी, तो उसी कंपनी का एक एंड्रॉयड टैब है। तो गाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट उसका जो प्राइस है वो आपका बताऊँगा आपका एंट्री लेवल का प्राइस है, तो आपको वीडियो के एंड में आपको उसका जो प्राइस है वो आपको पता चल जाएगा। बट गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान लेंगे उसका जो स्पेसिफिकेशन है, क्या आपको फीचर्स देखने को मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो सब कुछ बताने से पहले, पहली बार अगर चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोज हम लोग लाते रहते हैं। तो चलिए गाइज बिना टाइम वेस्ट के जानते हैं उसके बारे में। तो गाइज उसका जो मॉडल नंबर है वो आपका iPlay 90 उसका मॉडल नंबर है। एंड इसमें जो आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है वो आपका 10.5 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो फुल एच डी प्लस में आती है, IPS LCD आती है, IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है। एंड इसमें जो आपको रेजोल्यूशन देखने को मिलती है वो आपका 1920x1200 पिक्सल में आपको इसका रेजोल्यूशन देखने को मिलती है। और इसमें अगर प्रोसेसर के बारे में बताया जाए, इसमें आपको रॉकचिप RK3566 में आपको प्रोसेसर देखने को मिलती है जो क्वाड कोर में आती है। एंड इसमें जो ग्राफिक आपको देखने को मिलती है वो आपका Mali G52 2EE में आपको इसका ग्राफिक्स देखने को मिलती है। एंड अगर रैम एंड स्टोरेज के मामले में अगर बताया जाए तो इसमें आपको मिनिमम रैम एंड मिनिमम स्टोरेज देखने को मिलती है जो एंट्री लेवल का होती है गाइज, जो 3GB RAM एंड 32GB आपका स्टोरेज। एंड इसमें अगर आप चाहते हो एक्सटर्नल एसडी कार्ड अगर यूज़ करना तो भी आप कर पाओगे, 2TB तक आप एक्सटर्नल यूज़ कर पाओगे। देन अगर देखा जाए बैटरी के मामले में तो बैटरी काफ़ी अच्छी यहाँ पर बैटरी आपको देखने को मिलेगा, 5300mAh का बैटरी आपको देखने को मिलती है। बट गाइज दूसरे अगर टैब के अगर कंपेरिजन में बताया जाए तो इसमें कम ही है। जी हाँ, क्योंकि गाइज एंट्री लेवल के हिसाब से सही है बट दूसरे कंपैरिजन में कम है, दूसरे टैब के कंपैरिजन में इसमें आपको बैटरी कैपेसिटी कम इसमें दिया हुआ है। तो चलिए अभी वक्त आती है उसका कैमरा सेटअप के बारे में जान लेने की। तो यहाँ पर आपको 5 MP का आपको रियर कैमरा देखने को मिलती है ऑन द बैक, एंड फ्रंट में आपको सेल्फी स्नैपर के तौर पर आपको 2 MP का सेल्फी स्नैपर देखने को मिलेगा। बाकी जो आपका पोर्ट्स एंड बटन वगैरह होती है गाइज, इसमें आपको आपको डुअल USB Type-C आपको पोर्ट देखने को मिल जाएंगे जो डेटा ट्रांसफर एंड चार्जिंग के लिए वो यूज़ होती है। एंड इसमें जो OS है वो आपका Android 11 आपको OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। एंड अदर जो फीचर्स रहती है गाइज, जैसे कि ब्लूटूथ वगैरह, वाईफाई वगैरह सब कुछ इसमें अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे, एंड डुअल स्पीकर वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। एंड अगर आप चाहते हो इस फोन में नेटवर्क कनेक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ पर आपको 4G सपोर्टेड है इस टैब में। तो गाइज कुल मिला के एंट्री लेवल के हिसाब से सही टैब है। बट गाइज इसका जो प्राइस रेंज है वो आपको इसमें आपको 10,000 ओनली इसका प्राइस रेंज है। तो गाइज एक एंट्री लेवल का टैब है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप ऑल डॉकेबल का आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। और इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और एक लाइक जरूर कीजिए। आपके मन में कोई भी सवाल हो, अगर आपको इस टैब का अगर परचेस करने का लिंक अगर नहीं मिल रहा है और वेबसाइट में भी अगर नहीं मिल रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना, आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए और इसी टाइप के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके जुड़ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए।